सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तो आज हम जो है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जो है वो सेकेंड पार्ट। आप सब लोगों ने अब तक जो दो लेक्चर पहले लोड किए गए हैं, आशा है जो तीन लेक्चर अब तक लोड किए गए हैं वो आप सब लोगों ने अवश्य रूप से देखे होंगे। उन सब लेक्चर्स में जो किया है मैं उनमें उनकी बातों को मैं थोड़ा सा संक्षेप में एक बार वापस आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो थर्ड ईयर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल लिगेंड जो है बॉन्डिंग, यानी कि धातुओं में जो धातु संकल धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध है उसकी प्रकृति या उसकी बॉन्डिंग के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब लोगों ने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका निर्माण होता है और उसके संबंध में उसकी बॉन्डिंग को समझाने के लिए जो संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी दी गई थी वो क्या है। फिर हमने अभी जब थर्ड ईयर का हमारा टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले बात की थी जो संयोजकता बंध सिद्धांत है या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। हमने देखा कि मेटल और लिगेंड के मध्य जो बॉन्डिंग होती है या उस कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग को समझाने के लिए जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी दी गई थी उसमें कुछ बड़ी मूलभूत कमियाँ थी। जैसे एक कमी मुख्य रूप से ये थी कि वहाँ पर मेटल के बारे में बात की गई, लिगेंड के जो प्रकृति है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। दूसरी बात ये थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो पूर्ण रूप से जो है वो सहसंयोजक इंट्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट इंट्रैक्शन होता है। उनके बीच में कोई आयनिक इंट्रैक्शन की बात जो है उस थ्योरी में, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में नहीं की गई। इसी तरह से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के माध्यम से हम जो मेटल लिगेंड्स के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर उसके जो गुण हैं, जैसे उनकी चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक जो उसका जो चार्ज क्या कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको वो सब बातें हम वहाँ पर नहीं समझा सकते। तो उनको समझाने के लिए जो है फिर बाद में बेथे वैन विजेक ने जो है हैंस बेथे और वैन विजेक ने सन 1929 में जो है ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो दिया था। तो हमने पिछली बार इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो है उसको हमने पढ़ना शुरू किया और हमने पढ़ा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड्स हैं उनको पॉइंट चार्जेस या बिंदु आवेश जो है वो माना गया, और अगर मान लीजिए उस लिगेंड्स के अंदर कोई आयन ना होकर कोई छोटा अणु है जैसे वाटर का है या अमोनिया का है तो उसे बिंदु द्विध्रुव के समान जो है वो माना जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं और मेटल जो है और लिगेंड जो है इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो पूर्ण रूप से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, और उनके मध्य जो है जो इंट्रैक्शन होगा उसके फलस्वरूप जो है वो एक आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो वहाँ पर जो मेटल है वो मेटल जो है उसके अंदर जो डी कक्षक हैं उन डी कक्षकों की जो शेप है उसके संबंध में भी हमने बात की कि जो पांच डी कक्षक होते हैं वो पांच डी कक्षक किस प्रकार से होते हैं। उनको हम दो प्रकार के डी कक्षक मान सकते हैं। एक होते हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं जिनको हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं, और एक होते हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं जिनको हम EG सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये जो पांचों कक्षक हैं ये समध्रंश जो है वो डीजेनरेट स्तर पर होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड के कक्षक जो है इनके नज़दीक जाते हैं तो इनकी जो डीजेनरेसी है वो समाप्त होती है, और उस समाप्त होने से फिर क्या होता है फिर आगे की अवस्था जो है उसको हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ हम जो है जिसकी बात कर रहे हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके कुछ मुख्य बिंदु जो हैं उनके बारे में हमने पिछले बार बात की थी, चार बिंदुओं के संबंध में बात की थी, आज हम उसके आगे के बिंदुओं के संबंध में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि इस बिंदु संख्या पाँच में हम जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ही मुख्य बिंदु जो हैं उनकी यहाँ पर बातचीत जो है वो कर रहे हैं। स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षकों की संभ्रंशता या डीजेनरेसी जो है
लिगेंडो द्वारा संकुल बनाते समय समाप्त हो जाती है। तो जो जो मेटल आयंस हैं उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो डीजनरेसी है, जैसे ही लिगेंड्स जो है पास में आएंगे उस मेटल एटम के या मेटल आयन के, वो डीजनरेसी जो होती है वो समाप्त हो जाती है। यानी संभ्रंशता, यानी पांचों का जो एक ऊर्जा स्तर जो समान होता है वो ऊर्जा स्तर समान नहीं रह पाएगा। विलगित गैसीय धातु आयन के पांचों डी कक्षक जो होते हैं वो संभ्रंश होते हैं, यानी वो डीजनरेट होते हैं जब तक कि मेटल आयन जो है वो गैसीय अवस्था में और आइसोलेटेड है, अलग है, तब तक जो है उनमें डीजनरेसी जो है वो कायम रहती है। और इनके चारों ओर ऋण आवेशों का पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र जो है वो निर्मित किया जाए तो धातु आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में समान वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्णतः गोलाकार सममित क्षेत्र में सभी डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन समान रूप से प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि पांच डी कक्षक हैं जो कि मेटल के ऊपर स्थित हैं, इसके सामने या इसके चारों तरफ गोलाकार रूप के अंदर जैसा हम कहते हैं कि लिगेंड्स जब आएंगे तो ये जो लिगेंड्स के आने से जो एक जो सममित क्षेत्र बना हुआ है वो सममित क्षेत्र अगर है लिगेंड के आने के समय गोलाकार सममित क्षेत्र है तो जो पांचों डी कक्षक जो है इनकी ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि होगी, यानी कि इनकी डीजेनरेसी जो है वो अभी समाप्त नहीं होगी। यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड है अगर वो सममित है, सिमेट्रिकल है, जो कि लिगेंड्स के कारण बन रहा है, तो ये जो पांचों कक्षक हैं इनकी ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि होती है। यह प्रतिकर्षण धातु आयन के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तथा ऋण आवेशों के मध्य होता है। तो जो पांचों डी ऑर्बिटल की जो ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं उनके जो नेगेटिव चार्जेस हैं और इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और उस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो है वो डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि क्रिस्टल क्षेत्र की सममिति गोलाकार से भिन्न होगी तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि जो है वो समान नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर ये जो बाहर से जो लिगेंड्स आ रहे हैं, जो लिगेंड्स के आने से यदि एक सममित गोलाकार जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र बन रहा है तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि होगी, लेकिन ये जो लिगेंड्स के आना जो है और उससे सममित गोलाकार जो क्रिस्टल क्षेत्र का जो बनना है अगर ये सममित नहीं है तो ये जो डी कक्षक हैं इनकी जो ऊर्जा में वृद्धि जो है वो समान नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में डी ऑर्बिटल्स के अंदर एक प्रकार की स्प्लिटिंग हो जाएगी जिसको अपन विपाटन कहते हैं। अतः डी कक्षों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की ज्यामिति पर निर्भर करता है। यदि वो सममित रूप से समान रूप से आ रहे हैं तो जो है उसकी डीजेनरेसी समाप्त नहीं होगी, ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि होगी। लेकिन अगर डी कक्षक के चारों ओर से जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो अगर सममित नहीं हैं तो ये जो है उसके अंदर क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स जो है उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी या जिसको हम कहें उसकी जो डीजेनरेसी है वो कायम नहीं रह पाएगी। और ये जो होता है ये जो आने वाले लिगेंड हैं और या जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। फिर अगला बिंदु है डी कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं जबकि शेष कक्षक जो है उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण हो जाता है। इस प्रक्रम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो डी कक्षकों का जब विभाजन होगा या जिसको अपन कहते हैं स्प्लिटिंग होगी, तो स्प्लिटिंग होने के फलस्वरूप क्या होगा, उसकी जो औसत ऊर्जा है वो समान रहेगी, मतलब उसकी जो एवरेज एनर्जी है वो बराबर रहेगी। तो कुछ कक्षक जो है वो तो नीचे की ऊर्जा के कारण से जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे और कुछ कक्षक जो है जिनकी ऊर्जा उच्च हो जाएगी वो अनस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो अब इस स्थिति में जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन
हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो हुंड के नियम के हिसाब से पुनः विद्युत हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यानी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश करेंगे कि वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में रहें और जब वो पूरे भर जाते हैं तो फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे। और इस प्रक्रम को जो है वो हम CFSE या जो उस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसको हम आगे जब हम जब डिफरेंट क्रिस्टल्स के अंदर जिसको हम कहते हैं ऑक्टाइडल क्रिस्टल, टेट्राइडल क्रिस्टल, स्क्वायर प्लेन क्रिस्टल्स, जब हम विभिन्न क्रिस्टलों के अंदर इस प्रकार का जो स्प्लिटिंग को देखेंगे तब ये जो है इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट बिंदु है CFSE के द्वारा संकुलों के विभिन्न ऊष्मा गति की गुणों यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझाया जा सकता है। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, स्थायीकरण जो ऊर्जा है, इसके द्वारा हम बहुत सारे ऊष्मा गति की गुणों को आसानी से समझा सकते हैं। इसके द्वारा संक्रमण धातुओं के रंग यानी कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एवं अवशोषण गुण जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या कलर जो है वो आसानी से समझाया जा सकता है, जिसे VBT द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जैसे हमने अभी आज बात भी की थी कि जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी थी उसकी जो कमियां थी उसके अंदर यही कमी आई थी कि जो कॉम्प्लेक्सेस की सभी गुणों की व्याख्या जो है वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं की जा सकती, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर जो है हम बहुत सारे गुणों को समझा सकते हैं, जिससे उसमें से विशेष रूप से जो है उनका उनके कलर जो है उसकी बात कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हम कर सकते हैं। फिर अगला है क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी एवं डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी जो एवरेज एनर्जी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात विपाटन से तंत्र की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कम ऊर्जा वाले तथा अधिक ऊर्जा वाले डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर जो है वो 10 dQ या डेल्टा कहलाता है। इसको हम जो है 10 dQ से या डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो जो है डी कक्षक जो है उनमें विपाटन हो गया, कुछ कम ऊर्जा वाले कक्षक हो गए और कुछ अधिक ऊर्जा वाले कक्षक हो गए और उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो उसको हम डेल्टा से या 10 dQ से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगले बिंदु में 10 dQ जो है निश्चित सममिति या ज्यामिति के संकुलों में धातु डी कक्षकों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसको हम डेल्टा जो है इसको या 10 dQ जिसको भी है इनको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या विपाटन ऊर्जा कहते हैं। और क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो है ये जो मान है उसको ज्ञात करने के लिए उसका जो सूत्र है वो है 10 dQ इज इक्वल टू 1/6 ZE² r² 4/a⁴। यहाँ जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जेड जो है वो चार्ज ऑन लिगेंड है, आर टू जो है वो डी कक्षक की रेडियस या त्रिज्या है और ए जो है वो धातु और लिगेंड यानी मेटल और लिगेंड जो है उनके बीच का डिस्टेंस है, उसकी दूरी। वे लिगेंड जिनके द्वारा अगला बिंदु जो है वो है वे लिगेंड जिनके द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा 10 dQ या डेल्टा का मान कम होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। अब देखिए हमने कहा कि लिगेंड्स जब मेटल के पास में आएंगे तो जो मेटल के अंदर जो डी कक्षक हैं उन डी कक्षकों में विपाटन होगा, उनमें स्प्लिटिंग होगी और ये स्प्लिटिंग जो होती है वो आने वाले जो क्रिस्टल है उसकी किस पर निर्भर करती है, उसकी ज्योमेट्री पर निर्भर करती है और साथ ही जो है वो जो लिगेंड्स जो नज़दीक आ रहे हैं वो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी कि विपाटन कितना होगा ये जो है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो लिगेंड है उस लिगेंड की प्रकृति कैसी है। तो जिस लिगेंड के लिए इस 10 dQ या डेल्टा का मान कम होता है
यानी कि वो लिगेंड जब नज़दीक आने पर कम मात्रा में स्प्लिटिंग को करता है, उन लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। तथा जो लिगेंड 10DQ या डेल्टा का अधिक मान देते हैं उन्हें प्रबल क्षेत्र लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। तो जो स्प्लिटिंग है वो जितनी ज़्यादा होगी, अर्थात उसका मतलब है कि जो आने वाला लिगेंड है वो ज़्यादा प्रबल है, और अगर ये स्प्लिटिंग कम होगी तो इसका मतलब है कि जो आने वाला लिगेंड जो है वो दुर्बल है। लिगेंडों को उनके घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में क्रमवार रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताती है कि लिगेंड जो हैं उनको जो है हमने एक सीरीज में अरेंज किया हुआ है, जो सीरीज़ ये बताती है कि उसमें आगे की तरफ के जो लिगेंड हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, प्रबल हैं, और पीछे वाले जो लिगेंड्स हैं वो उतने ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। किसके लिए? स्प्लिटिंग करने के लिए। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र में स्प्लिटिंग जो है उसको करने में वो कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं, इस आधार पर जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का निर्माण जो है वो किया गया है। यह श्रृंखला 10DQ के मान के आधार पर निर्धारित की गई है, जैसा मैंने आपसे कहा। तथा 10DQ का मान संक्रमण धातु संकुलों के स्पेक्ट्रम से ज्ञात किया जाता है। तो ये जो 10DQ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट क्रिस्टल्स के लिए वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो उसको हम जो है संक्रमण धातु संकुलों के स्पेक्ट्रम से, उसके जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी सहायता से उसे ज्ञात किया जाता है। अतः इस श्रृंखला को स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। तो ये श्रृंखला का नाम स्पेक्ट्रो रसायन क्यों है? क्योंकि ये मान जो है वो स्पेक्ट्रा के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। इसलिए यह श्रृंखला जो है वो निम्न प्रकार से होती है। तो देखिए यहाँ हम श्रृंखला देख सकते हैं, ये क्या है, लिगेंड्स को एक सीरीज में अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में CO लिगेंड है, कार्बोनाइल जो है वो लिगेंड्स हैं, फिर साइनाइड है, फिर नाइट्रो ग्रुप है, फिर डाईपिरिडीन, फिर सल्फाइड, फिर पिरिडीन अमोनिया, फिर जो है थायोसाइनेट है, फिर H2O, देन OH, फिर फ्लोराइड क्लोराइड, फिर थायोसाइनेट, फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो इस तरह से ये लिगेंड जो है वो अपनी घटती हुई, जिसको अपन कहते हैं कि लिगेंड क्षमता के हिसाब से इसमें व्यवस्थित हैं। तो इसमें हम देख कह सकते हैं कि अतः CO, CN- यानी कार्बोनाइल ग्रुप और साइनाइड जैसे लिगेंड जो है वो प्रबल क्षेत्र, वह ब्रोमाइड आयोडाइड जैसे लिगेंड जो कि सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल लिगेंड जो है वो कहलाते हैं। तो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और राइट हैंड साइड पर वीक फील्ड लिगेंड। इसी प्रकार से धातु आयनों को भी हम जो है व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि उनको भी उसके लिगेंड्स के उसको हम कहते हैं कि उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के आधार पर उसको भी अरेंज किया जा सकता है एक सीरीज के रूप में। तो जो बाईं ओर के जो मेटल्स हैं वो ऐसे हैं जिनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, और राइट हैंड साइड में यानी दाईं तरफ वो लिगेंड हैं जिनके लिए क्रिस्टल फील्ड जो विपाटन है उनका परास जो है वो कम होता है। तो प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, मैंगनीज, ये सभी अपनी +4 और +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में हैं। इनके लिए जो मान है CFSC का मान जो है वो अधिक होता है। फिर कोबाल्ट 3+, वेनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, Fe3+, वेनेडियम 2+, Fe2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+ और मैंगनीज 2+, इस तरह से ये एक सीरीज के रूप में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें लिगेंड्स हैं, और दूसरी सीरीज हमने देखी जिसमें मेटल के आयंस हैं जो कि एक सीरीज के रूप में अरेंज होते हैं। तो ये सभी जो हैं जो हमने अभी 10 पॉइंट्स देखे हैं ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हैं उसके मुख्य बिंदु हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम आगे जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है उसके विपाटन को, उसके अंदर स्प्लिटिंग को हम उसका कैसे स्टडी करेंगे। तो हम कल बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस या अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो आप सभी जो है
इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं जिससे कि आने वाले समय में इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको आप सभी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सके। जैसा कि अभी आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, इसके संबंध में कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह से जो है जो CFSC का मतलब क्या होता है उसके संबंध में जो है वो प्रश्न किया जाता है। कल हम आगे बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग के संबंध में। आप सभी को धन्यवाद।